अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एपिसोड 4 ऑफ अनबॉक्सिंग पाकिस्तान। आज हम बात करेंगे केपी के फाइनेंस मिनिस्टर से, जिनकी अपनी एक एक्सपीरियंस है इन द प्राइवेट सेक्टर, पर्टिकुलरली पेट्रोलियम सेक्टर एज वेल एज मैनेजमेंट कंसल्टिंग। लेकिन उसी के साथ साथ उनका फैमिली बैकग्राउंड भी पॉलिटिक्स में था। ही इज़ नॉट ए करियर पॉलिटिशियन हिमसेल्फ, लेकिन ये कि एकदम से उन्होंने स्विच मारा और स्विच मारते साथ ही उन्होंने प्रोविंशियल गवर्नमेंट की कैबिनेट ज्वाइन की। ही इज़ ऑल्सो समवन जिन्होंने पीटीआई की 100 डे जो वो था, मेरे ख्याल करना क्या है, पॉलिसी करनी क्या है, वो उन्होंने पूरी की पूरी लिखी और उसको हेड किया। सो वी गोइंग टू स्टार्ट दैट कॉन्वर्जेशन, बट बिफोर एनी ऑफ दैट थोड़ा सा लाइट नोट पर मैं स्टार्ट करना चाहूँगा। आर यू अ फैन ऑफ करीना कपूर? आई थिंक आप एक तस्वीर की बात कर रहे हैं, जस्ट उनसे एयरपोर्ट में कोइंसिडेंटली मुलाकात हुई थी एंड किसी ने सिर्फ ट्वीट किया था, क्योंकि आई थिंक एक इंडियन मैगजीन ने मुझे टैग किया था और उनके बेटे का नाम भी तैमूर है। अच्छा, तो मैंने कहा कि गॉट द रॉन्ग तैमूर, दैट्स नॉट मी। तो किसी ने मेरे ट्विटर पे कमेंट किया, अच्छा, कि डोंट यू विश यू वर विद हर। तो वो मैंने एयरपोर्ट पे एक तस्वीर निकाली थी, मैंने वो तस्वीर वहां पे पेस्ट करके कहा बिन देयर डन दैट। अच्छा, तो ये बैकग्राउंड है, नाइदर अ फैन नॉर। सो ये सॉ हर, सॉ शी इज ऑब्वियसली फेमस। तो ओके, सो लेट्स स्टार्ट ऑफ अ लिटिल बिट अबाउट टू टॉक अबाउट आपका जो पास्ट, पर्टिकुलरली आई लाइक टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब हम ऑनलाइन भी सर्च करें आपके बारे में तो बार बार ये आता है कि यू आर द ग्रैंड सन ऑफ गुलाम साहब खान, बट आई वॉन्ट हैव दैट अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर रिलेशनशिप, क्योंकि आई नो ही वॉज वेरी बिजी व्हाइल यू वर ग्रोइंग अप एज वेल। सो वॉट वॉज दैट लाइक? मेरे लिए रोल मॉडल थे। मैं आई वॉज बॉर्न इन पेशावर और वहाँ पे 10 साल गुजारे, उसके बाद 4 साल मेरे वालिद साहब जो है वो रोम में पाकिस्तान एम्बेसी में काम कर रहे थे। तो जब हम वापस आए तो गुलाम इसहाक खान प्रेसिडेंट थे। अच्छा, तो ऑब्वियसली वो उस एज में और अपने नाना को प्रेसिडेंट हाउस में देखना वाज ऑ इंस्पायरिंग। लेकिन जो मुझे उनके बारे में जो द थिंग दैट आई कीप विद मी, कि वो जिस तरीके से अपने प्रिंसिपल से अटैच थे और जिस तरीके से वो जो फैसले वो करते थे, ही वुड बी कंटेंट विद देम। राइट, कभी किसी को उन्होंने मेरे ख्याल में ही नेवर फेल्ट द नीड टू एक्सप्लेन हिमसेल्फ टू एनीवन। एंड मैंने जिंदगी में बहुत कम लोग देखे हु आर दैट कंफर्टेबल इन देयर ओन स्किन। राइट, तो That was one particular quality that I always look to. अक्सर जब आप बड़े लोगों के साथ बैठते हैं तो वो अपने कारनामों की बात करते हैं, अपने हिस्ट्री की बात करते हैं। गुलाम इसहाक खान को ऑब्वियसली पाकिस्तान के काफ़ी सीक्रेट्स पता होंगे। जो उन्होंने ऑफिस में किया वो उसके साथ मुतमईन थे और वो उन्होंने अपने दिल में रखा। He kept all the state secrets with him. अच्छा, and I admired them. Not even the family knew about them. हमारे क्रिकेट पे बात होती थी, हमारी जो है he used to love his dogs जब वो आते थे। बट मुझे इनफैक्ट ये भी याद है कि जब वो 5 साल प्रेसिडेंसी में थे तो शायद एक इंटरव्यू के अलावा उन्होंने कभी मीडिया से भी ऐसे मीडिया से भी जिस टाइप की हम आज बात कर रहे हैं उन्होंने की। ही इज समवन हु हैड हिज प्रिंसिपल्स एंड ही स्टक टू दोज प्रिंसिपल्स। यू कैन अग्री विद दोज प्रिंसिपल्स और यू कैन डिसएग्री विद दोज प्रिंसिपल्स, लेकिन ही वाज कंसिस्टेंट विद देम। जिस बात पे उनको यकीन था उसके साथ वो स्टेडफास्ट थे। राइट, एंड सो obviously you were I think 14 15 at the time when he was president. So aapne wo wala wo element hota tha ki you know mere nana abu he is the president of pakistan I was utilized karte the time ke school mein us tarah se I mean I'm trying to understand what that feels like. I mean you know how much experience is that, right? So jo what was interesting was jab unhone presidency se resign kiya and his passion project became Ghulam Isaak Khan Institute, jo engineering institute hai Sawabi mein. Right, and I studied there. Achha. In fact mujhe pehle admission
मिली थी यूईटी में, पिशावर में, और छः महीने गुजार के आई फेल्ट के दिस इज़ नॉट द प्लेस फॉर मी. उस वक्त में जो हमारी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ होती थी उनमें काफ़ी पॉलिटिकल माहौल होता था, चार साल की डिग्री पाँच छः साल में होती थी, ऑल्दो दे देन स्टार्टेड गेटिंग बेटर, राइट. लेकिन आई फेल्ट छः महीने में मैंने दो तीन क्लासेज अटेंड की थी वहाँ पर, और मुझे याद है 96 का वर्ल्ड कप चल रहा था. तो वन डे वॉकिंग ऑन द कैंपस आई थॉट कि मैं अपनी ज़िंदगी ज़ाया कर रहा हूँ, आई शुड डू समथिंग एल्स. सो आई अप्लाइड टू GIK और आई गॉट इन. इनफैक्ट आई गॉट इन ऑन अ स्कॉलरशिप. KP गवर्नमेंट से चार स्कॉलरशिप्स होती थी फॉर द टॉप अचीवर्स, एंड आई थिंक दैट्स द लास्ट टाइम आई एवर स्टडीड दैट हार्ड. तो GIK में पढ़ते हुए मेरे सारे दोस्तों का ख्याल था कि आई वॉज देयर बिकॉज मेरे नाना ने इंस्टीट्यूट बनाया था. मैं पढ़ता भी ज़्यादा नहीं था, गुजारे के ग्रेड्स आते थे तो उनका ये ख्याल होता था कि मेरे ग्रेड्स भी इसलिए अच्छे आते हैं कि ऑब्वियसली सिफारिश. उसके दो साल बाद मेरे भाई की भी वहाँ पे एडमिशन हुई. अच्छा. और आई एक्चुअली से दैट माय ब्रदर इज स्मार्टर देन मी, लेकिन वो पढ़ते जो है वो कम थे, तो माई ग्रेड्स वर बेटर देन हिज. तो आई यूज टू यूज दैट एज एन एग्जाम्पल कि देखें मेरे भाई के ग्रेड्स जो है वो प्रूव करते हैं कि यहाँ पे सिफारिश एट वर्क. अगर सिफारिश होती है तो दोनों के साथ होता है. तो वो फिर जवाब में कहते थे कि ये आप लोगों की चाल है कि एक बंदे के ग्रेड्स कम है ताकि आप ये प्रूव कर सकें कि यहाँ पे सिफारिश एट वर्क नहीं है. तो इन सिचुएशन में यू कांट विन एनीथिंग. बट आई थिंक माय ग्रैंडफादर एंड इन दिस केस माय मदर, मेरी माँ स्पेशली, वो कभी इस टाइप की जो है ख्यालात के आप किसी बड़े बंदे के बेटे हो या ग्रैंडसन हो, वो कभी आने ही नहीं देते थे. थप्पड़ छप्पड़ काफी खाए थे हमने, तो वी ग्राउंडेड रखा हुआ था आप लोगों को. बट दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज़ अ लॉट ऑफ टाइम्स हम पाकिस्तान में देखते हैं तो होता है कि यू नो अस्पताल हमने बनाए लेकिन हमारा बेटा उस अस्पताल में नहीं जाएगा. सो दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग कि आपके नाना ने वो इंस्टीट्यूट बनाया और आपने और आपके भाई ने वहां पर तालीम हासिल की. ऑब्वियसली यू देन यू ट्रस्ट द लेवल ऑफ द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो कि वहां पर प्रोवाइड हो रही है. बचपना आपका जो है वो पाकिस्तान में गुजरा प्राइमरीली. व्हाट वाज दैट लाइक? हाउ डू यू एंड आई वांट अंडरस्टैंड अ बिट मोर अबाउट हाउ यू सॉ पाकिस्तान एज अ कंट्री. आई थिंक ज़ियाउल हक के टाइम के ऊपर यू वर हियर इन पाकिस्तान. सो हाउ डिड यू सी दैट ट्रांजिशन? सो माय फर्स्ट मेमोरीज, मेरी पहली यादाश्त प्रोबब्ली इनफैक्ट एक साल में एक दो मेमोरीज कैम्ब्रिज की हैं. मेरे वालिद साहब शिवनिंग स्कॉलरशिप पे गए थे लेकिन उसके अलावा जो है 10-11 साल पेशावर में. और हमारा गांव बिल्कुल पेशावर की पेरिफेरी पे है, तो इट वाज अ मिक्सचर ऑफ अ सब अर्बन एंड अर्बन अपब्रिंगिंग. गांव से जो है शहर में स्कूल पे जाते थे. आई वेंट टू द पाकिस्तान एयरफोर्स स्कूल जो पेशावर में था. तो लॉट्स ऑफ मेमोरीज ऑफ द विलेज, गांव की यादाश्त है जहाँ पे मैं अभी दोबारा से रहता हूँ. लॉट्स ऑफ मेमोरीज ऑफ क्रिकेट, वहाँ पे क्रिकेट खेलते थे, बाहर एक मैदान होता था. एंड फ्रॉम अबाउट द एज ऑफ 9 or 10 आई वॉज क्रिकेट मैड. बिल्कुल जितना टाइम होता था टीवी पे क्रिकेट देखता था, खुद क्रिकेट खेलता था. अच्छा. वुड फॉलो ऑल द स्कोर्स. दो अखबार आते थे, पाकिस्तान टाइम्स और द मुस्लिम. अच्छा. सीधा स्पोर्ट्स पेज पे क्रिकेट के स्कोर्स देखता था. एंड इनफैक्ट वन ऑफ माय फर्स्ट मेमोरीज इज ऑफ मस्ट बी मार्च 1985 क्रिकेट की. जो पहला मुझे मैच याद है जो मैंने लाइव सुना रेडियो पे, एंड दैट वॉज द मैच जिसमें इमरान खान कम बैक कर रहे थे आफ्टर अ 2-year स्ट्रेस फ्रैक्चर. अच्छा. एंड इवन देन वो ही वॉज द क्रिकेट हीरो ऑफ पाकिस्तान. तो इट फेल्ट लाइक के बहुत मैजिकल, एक मैजिकल मोमेंट है. राइट. अच्छा. सो एंड देन राइट आफ्टर ग्रेजुएशन यू स्टार्टेड वर्किंग एट स्लम्बर्जर. राइट. आपने ग्रेजुएशन किस चीज में की थी? GIK से. मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड देन पेट्रोलियम सेक्टर. आई थिंक उस टाइम तो खैर बूम भी था पेट्रोलियम सेक्टर का. सो व्हाट वाज, हाउ वाज दैट लाइक? आई थिंक यू वर्क देयर फॉर 6 इयर्स.
6 साल काम किया था जीआईके से 4-5 जॉब्स बहुत सॉट आफ्टर होते थे प्रॉक्टर एंड गैम्बल में यूनिलीवर में जो प्राइवेट सेक्टर में जो लोग जाते थे पाकिस्तान टोबैको कंपनी में ये सारे जॉब्स पाकिस्तान में थे श्लम्बजे टिपिकली एक इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट आपको देता था तो सही. बहुत से लोग जो थे वो उनको पता भी नहीं होता था ऑयल इंडस्ट्री क्या है मुझे भी फ्रेंकली बिल्कुल कोई अंदाजा नहीं था लेकिन ये पता था कि तनख्वाह डॉलर्स में होगी. अच्छा. तो इनफैक्ट मेरा एक दोस्त थे वो कह रहे थे कि मैं सीवी में लिखूंगा कि माय हॉबी इज ड्रिलिंग फॉर ऑयल इन माय बैकयार्ड ताकि वो एनीवे वहां पे किस्मत कह लें व्हाटएवर वहां पे सिलेक्शन हो गई. सो इज वेरी एक्साइटेड. इनफैक्ट जो सुना था कि आप साल दो साल रिग पे होंगे उस वक्त में मोबाइल फोन्स भी इतने प्रेवलेंट नहीं थे तो जो कहानियां सुनी थी कि फॉर मंथ्स आप शायद फैमिली वगैरह से इन कांटेक्ट भी ना हो. तो आई हैड अ मैसिव फेयरवेल. माय पेरेंट्स ऑर्गेनाइज्ड इट. सारी फैमिली आई और मैं गया दुबई अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए और ख्वाब ये देख रहे थे कि यू नो डॉलर्स में सैलरी आएगी. जब मैंने अपना कॉन्ट्रैक्ट देखा उसमें लिखा कि यू हैव बीन पोस्टेड टू इस्लामाबाद एंड योर सैलरी इज 36,000 रुपीज जो कि वाज सिग्निफिकेंटली लेस देन जो एक्सपेक्टेड उस वक्त में इन द ईयर 2000 36,000 रुपीज वाज अ लॉट. लेकिन obviously it was about a tenth of what I expected to make but in hindsight or hamesha I personally believe ke insaan ke apne plans hote hain aur allah taala ke jo hai wo apne plans hote hain allah taala ke plans always work best. So I think those 3 years jo yahan pe guzare pehle 3 saal apne career ke I actually drilled in each of the 4 provinces. Wo pehle 3 saal mere career ke maine sara Pakistan bhi dekha. Sahi. And it also had a big impact on my personality because pehli baar jo hamari taleem hoti hai universities mein wo bahut kitabi usko keh le usme aur jo practical life mein farak tha. I engaged with हमारे पास टेक्नीशियंस और ऑपरेटर्स होते थे बहुत से के पास डिग्रीज भी नहीं होती थी लेकिन जो उनकी प्रैक्टिकल नॉलेज थी वो आपके 4 साल के जीआईके के इंजीनियरिंग से बहुत ज्यादा थी एंड दैट ब्रॉट अ सर्टन अमाउंट ऑफ ह्यूमिलिटी. जो पहले दिन श्लम्बजे ज्वाइन किया तो द फर्स्ट थिंग दैट दे डिड वाज एक बाल्टी दी उसमें डीजल था एक साथ कपड़ा था और यार्ड में जितना भी इक्विपमेंट पड़ा था उन्होंने कहा इन सबको रीपेंट करना है. तो बहुत से लोग 1-2 महीने में भाग जाते थे कि ये हमने पढ़ाई इसलिए नहीं की. right. जो ठहर जाते थे वहां पे इट वुड बिल्ड अ लॉट ऑफ कैरेक्टर. सो आई एम वेरी ग्लैड आई डिड दोस 6 years. राइट. एंड पहले 3 साल पाकिस्तान में रहने के बाद आप फिर बाहर चले गए थे. बाहर चला गया था. आई रैन बिजनेस फॉर श्लम्बजे इन चाइना. आई डिड अ ईयर इन इंडोनेशिया एंड फ्रांस ऑन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स और फिर आखिरी साल मैंने तकरीबन 1 साल गुजारा हेडिंग देयर रीजनल ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम for about 5,000 engineers and technicians across the Middle East and Asia. Sixth year, chhata saal guzar ke, ek din laga ke, you know what, I'm too comfortable over here. Kuch aur karna chahiye. So literally overnight, it was an overnight decision. Subah ga ke, bas maine ye aur nahi karna. And because I didn't know ke karna kya hai. I decided के 1-2 साल MBA कर लेते शायद जहन में आ जाए कि next step career का क्या होना चाहिए. Right. And then तो उस वक्त आपने छोड़ दिया या apply करा था और आपने switch किया या आपने बस छोड़ दिया और आपने कहा कि मैं apply करना शुरू करूँगा. काम में मजा नहीं आ रहा था तो realized when going to office becomes a burden. तो फिर I've always felt के अपने इंस्टिंक्ट्स को फॉलो करना चाहिए तो अप्लाई किया
और हमेशा हमारी नेचर ये होती है, कोशिश हम हमेशा करते हैं, इंसान की शायद फितरत है कि वो रिस्क को मिनिमाइज करे. राइट. तो अप्लाई किया, 3-4 स्कूल्स में एडमिशन हुई. आई डिडंट वांट टू गो टू द यूएस. अच्छा. उस वक्त पोस्ट 9/11 जो एक पॉलिटिकल सिग्नल लगता था कि यूएस हमें एज सेकंड क्लास वर्ल्ड सिटीजन समझता है, तो इट वॉज अ पर्सनल डिसीजन कि मैंने वहां पे तालीम जो है वो नहीं करनी. तो आई ओनली अप्लाई टू द टॉप यूरोपियन स्कूल्स, ऑक्सफर्ड, कैम्ब्रिज, लंदन बिजनेस स्कूल और इंसियाट, और इत्तेफाकन चारों में एडमिशन हुआ. आई चोज लंदन बिजनेस स्कूल क्योंकि वो लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड से तकरीबन 100 मीटर के फासले पे था, एंड आई फेल्ट दैट नथिंग एल्स बट दैट वाज द डिसाइडिंग फैक्टर. जब वो चूज किया तो पहले श्लम्बजे को कहने की ये कोशिश की कि मुझे पैसे दे दे मेरे एमबीए के, उन्होंने इनकार कर दिया कि नहीं, हम तो लोगों को तुम्हारा करियर यहाँ पे बना हुआ है, यू आर गारंटीड फ्यूचर इन टॉप मैनेजमेंट, तो क्या करना है एमबीए जाने के. व्हेन आई लुक एट इट फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू दे वर एग्जैक्टली राइट. बट मैंने जाना, वो जो भी 4-5 साल में सेव किया था वो सारा मैंने एक एडिशनल लोन लेके अपने एमबीए में डाला. सो द स्कैरी पार्ट वॉज उस वक्त शादी भी हुई थी, we were expecting our first child. And मुझे ये पता था कि मेरे पास 2 साल के पैसे नहीं है. And I didn't want to ask for money from my parents. लेकिन I felt कि अगर इरादा हो कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा. And it felt very exciting to be based about 100 meters from Lords, because जो अगर एक मेरी ambition थी वो ये कि professional cricketer बन जाऊं, जो नहीं हो सका. Right. तो मैंने कहा चलिए ये 2 साल लंदन में तो जितनी क्रिकेट खेलनी है वो खेलें, जितना करीब हो सकता है उसके. राइट. एंड उसके बाद फिर आपने सो एक सवाल मैं इसमें इसी से निकालना चाहूंगा. आपने कहा कि आपने सारी अपनी सेविंग्स लगा दी और उसमें आपने लोन भी लिया और अब आप 2 साल के लिए पढ़ने जा रहे हैं. तो हाउ डू यू मेक मनी फॉर द वाइफ एंड द किड, बिकॉज आई मीन दैट आई मैरिड एंड जो ये थॉट प्रोसेस है कि बच्चा भी आ रहा है और कोई पैसे नहीं आ रहे, सो एंग्जाइटी ड्रिवन के हाउ डू यू मैनेज दैट. एंग्जाइटी थी बीच में एक दो अपॉर्चुनिटीज. जब आप अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश करते हैं तो आई थिंक लाइफ बिकम्स द बेस्ट लर्नर. राइट. और मौके भी निकल जाते हैं. आईड सीन दैट विद फ्रेंड्स हु यूज्ड टू परफॉर्म लेस वेल एकेडमिकली लेकिन वो प्रैक्टिकल लाइफ में अच्छा करते थे. तो एक दो इंटर्नशिप्स निकल आई वहां पे. तो व्हाइल यू वर स्टडीइंग, दूसरे साल में मैंने ये कहा था वहां पे एक डिग्री कंप्रेस करने का ऑप्शन होता था. सही. लेकिन तकरीबन 13 मंथ्स इन आई गॉट एन ऑफर फ्रॉम मैकिन्सी, जो दुनिया की सबसे बड़ी कंसल्टिंग फर्म थी. जब वो ऑफर मिल गई और उसके साथ एक साइन ऑन बोनस होना था, तो देन लिटरली मैंने कहा अब मैं पूरा टाइम भी यहां पे गुजारूंगा और जब एमबीए खत्म हो जाएगी तो जून जुलाई अगस्त पूरा क्रिकेट सीजन क्रिकेट भी खेलूंगा और उसके बाद फिर जॉब ज्वाइन करूंगा. Right, because then you had that safety net. Then I had the safety net. लेकिन बीच में वाकई नहीं पता था और anxious moments भी थे. In fact, the way I got my McKinsey offer, वो भी बड़ी interesting story थी कि उससे पहले कोई मैंने 9-10 interviews दिए थे और for some reason or the other एक में भी मैं जो है select नहीं हो रहा था. जो इंटर्नशिप्स के इंटरव्यूज होते थे, इन द एंड मेरी इंटर्नशिप पेप्सी के साथ लंदन में हो गई. जब जॉब इंटरव्यूज आए तो पहली इंटरव्यू मैकिन्सी के साथ थी. अब एक एमबीए में इंटर्नशिप बहुत बड़ी चीज होती है, उसमें मेरा बड़ा बुरा एक्सपीरियंस था. मैकिन्सी के साथ इंटरव्यू हुआ तो 16 दिन उन्होंने जवाब ही नहीं दिया. अच्छा. So I assumed कि मुझे उन्होंने फेल कर दिया है और एक क्रिकेट मैच ही था वहां पे और मेरा एक सीनियर था, दोस्त था जो मैकिन्सी में काम कर रहा था, जो वहां एलमनाई की तरफ से हमारी क्रिकेट क्लब में खेलता था. मैंने उससे पूछा कि उसे कहा कि यार उसने पूछा and I said कि यार मैकिन्सी में इंटरव्यू दिया है लेकिन हुआ नहीं है, किसी ने जवाब भी नहीं दिया. He said that's strange because हम हमेशा जवाब देते हैं, एक बार फोन कर लो. तो जब उनको फोन किया
तो उन्होंने कहा वो हम भूल गए आपको तो ऑफर करना है. दैट बूस्टेड माई कॉन्फिडेंस सो मच. उसके बाद तीन चार और इंटरव्यूज थे एंड आई सडनली स्टार्टेड एसिंग इंटरव्यूज. हर इंटरव्यू में छक्के चौके मारना शुरू कर दिए एंड इट मेड मी रियलाइज के जो माइंडसेट और मेंटल स्ट्रेंथ होती है हाउ इम्पॉर्टेंट दैट इज इन परफॉर्मेंस. बिलीफ, राइट? बिलीफ कर सकते हैं कि मैं कर सकता हूं तो. हाँ जी, राइट. सो मैकेंजी, ये बहुत ज्यादा जब भी कहीं पे भी आप नाम लेके जीते, तैमूर जागरा एज जॉइंड यू नो एज मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, वो मैकेंजी वाला, राइट? सो आई वांट टू सॉर्ट ऑफ गेट अ लिटिल डीपर इनटू दैट. मैकेंजी में व्हाट वाज योर रोल, व्हाट वर यू डूइंग स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप? वर यू बेस्ड, आप पाकिस्तान में ही बेस्ड थे, क्या काम कर रहे थे, थोड़ा सा उसका बताएंगे? मैं दुबई में बेस्ड था 9 साल और 1 महीना मैंने मैकेंजी में काम किया एंड आई वाज बेस्ड इन दुबई थ्रू आउट. वहाँ पे हमारा काफ़ी बड़ा ऑफिस था और उसमें एक पाकिस्तानी कंटिंजेंट भी था. मेरी अपब्रिंगिंग यहाँ पे थी, मेरा फैमिली बैकग्राउंड पॉलिटिक्स का था, गवर्नमेंट सर्विस का था. मेरे वालिद साहब जो है ही वाज अ सीनियर सिविल सर्वेंट. आई ऑलवेज फेल्ट के मेरा लॉन्ग टर्म फ्यूचर पाकिस्तान में होगा. तो हालांकि पहले 3-4 साल when I was learning the ropes of consulting, मैंने energy industry में काम किया ज्यादातर. मेरा oil and gas का background था, Saudi में, Kuwait में, Bahrain में. कुछ side को the beauty of consulting is कि आप मुख्तलिफ industries में जो है वो काम करते हैं. तो public sector में भी किया, telecom में भी किया, financial services में भी किया, Europe में, Middle East में. लेकिन पैशन एक पाकिस्तान का था और पाकिस्तान में कोई भी कंसल्टिंग फर्म काम नहीं करती थी. तो मैंने और मेरे साथ 2-3 मेरे ज़्यादा सीनियर कॉलीग्स ने यह फैसला किया कि हमने पाकिस्तान में काम करना है और फिर थोड़े टाइम बाद यहाँ पे ऑफिस खोलना है. तो वन ऑफ माय प्राउडेस्ट प्री पॉलिटिक्स अचीवमेंट्स वॉज कि हमने मैकेंजी का पाकिस्तान में ऑफिस खोला. Right. और आखिरी जो मेरे 5-6 साल थे उसमें मैंने काफ़ी जो मेरा टाइम था, जो क्लाइंट्स को मैं सर्व करता था, वो पाकिस्तान में करता था और उसमें मैं ज़्यादातर पब्लिक सेक्टर में जो है वो सर्व करता था. डिफिड के साथ हमने काम किया जो यूके की एड एजेंसी है. राइट. Right. और स्पेसिफिकली पंजाब में एजुकेशन पे काफ़ी काम किया. फेडरल गवर्नमेंट में जो है 2-3 हेल्थ पे, एजुकेशन पे काम किया. जो पंजाब का हमारा काम था उसने उसकी कुछ लिंकेजेस केपी के भी एजुकेशन रिफॉर्म के साथ थे. तो 2011 से 17 तक आई डिड स्पेंड रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम इन पाकिस्तान एक्चुअली वर्किंग ऑन गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म ओवर हियर. अच्छा, इज इट ट्रू दिस इज जस्ट डूइंग अ प्रोफाइल आपकी एंड देन केप्ट ऑन कमिंग अप कि आपको $6,00,000 वहां मिल रहे थे और आप 1,80,000 रुपए की तनख्वाह पे पाकिस्तान आ गए. सो इज दैट अ क्लोज इनफ फिगर? आई अंडरस्टैंड आप बताना तो नहीं पसंद करेंगे. मुझे जेन्युइनली जो सिखाया गया है, माई मदर ऑलवेज यूज्ड टू से कि सैलरी में बात नहीं करते. मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि लेट्स जस्ट से आई वाज मेकिंग मोर देन आई एम मेकिंग राइट नाउ. लेकिन अगर ऐसे बंदा सोचे कि आई फील कि जो मेरी जॉब सेटिस्फैक्शन है, हालांकि मुझे अभी जो आवाम की और पब्लिक की एक्सपेक्टेशंस होती हैं तो काफ़ी नाराजगियां भी सुननी पड़ती हैं, लेकिन द फीलिंग दैट आई एम वर्किंग फॉर माई कंट्री, अगर इससे डबल भी होता इट वुड नॉट बी अ सैक्रीफाइस दैट आई वुडन्ट मेक. वो सैक्रीफाइस मैं बनाता भी और उससे ज़रूरी. आई थिंक द वन मैसेज दैट आई लाइक टू गिव एवरी वन वॉचिंग इज, मेरा बिलीफ है शायद हर किसी का ना हो, कि पैसा कभी आपको मोटिवेट नहीं कर सकता. राइट. वो पर्पस आपका हमेशा एक हायर पर्पस के लिए आप हमेशा, जब आप हायर पर्पस के लिए काम करते हैं, एक तो जो सेटिस्फैक्शन मिलती है वो आपको, मुझे कभी भी सऊदी में या यूएई में कोई प्रोजेक्ट करते हुए वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती थी. मैंने जब पाकिस्तान में काम करना शुरू किया और वो भी पब्लिक सेक्टर में, मैकेंजी चूंकि अपना 70-80% काम प्राइवेट सेक्टर में करता है, तो मुझे सारे मेरे कॉलीग्स ने कहा कि ये तुम अपना करियर तबाह कर रहे हो, क्योंकि
मैकिन्सी का एक यूनिक कल्चर है मैनेजमेंट कंसल्टिंग का, जिसको अप और आउट कहते हैं. right. कि अगर आपको हर दो तीन साल में प्रमोशन ना मिली, यू आउट ऑफ द कंपनी, आप निकल right. जाते हैं. और उसमें जो आप अपना क्लाइंट बेस डेवलप करते हैं वो बड़ा ज़रूरी होता है. और गोइंग एंड ट्राइंग टू वर्क इन द पब्लिक सेक्टर इन पाकिस्तान वॉज अ नो नो, इट वॉज अ रॉन्ग जियोग्राफी, इट वॉज अ रॉन्ग टाइप ऑफ क्लाइंट. राइट. लेकिन आई फेल्ट कि अगर मैं 16-17 घंटे दिन के काम कर रहा हूँ, इट हैड टू बी समथिंग दैट आई एन्जॉयड, जिसका मेरा पैशन हो. राइट. और इसीलिए किया. एंड आई एम प्राउड टू से आई वॉज द फर्स्ट पार्टनर हु वॉज इलेक्टेड ऑन अ पब्लिक सेक्टर प्लेटफॉर्म इन पाकिस्तान, द फर्स्ट पार्टनर हु वॉज इलेक्टेड पाकिस्तान ऑफिस के बनने के बाद पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पे. तो दोस रिस्क्स पेड ऑफ एंड इट वाजंट मनी दैट वाज इन्वॉल्व, बिकॉज वहां पे भी द इजियर रूट वुड हैव बीन कि मैं एनर्जी कंपनीज के लिए फॉर्मूला फॉलो करके जाऊं. राइट. मैकिन्सी अगेन हमने डिस्कस किया, यू आर मेकिंग गुड मनी माशाल्लाह से, यू आर सक्सेसफुल, यू हैव अ लॉट ऑफ अचीवमेंट्स ऑन दैट साइड एज वेल. हाउ डिड दैट ट्रांजिशन हैपन? I understand you have a background of politics in your family, a maternal side to be paternal side to be paternal side ka itna I think mainstream mein discuss nahi hota, but I think you have a couple of uncles jo ke hain, and then your grandfather was also in politics as well. So then was this always the plan, 10 years in McKinsey and then you know just go out and do politics? Agar aap jo humne story discuss ki hai, main bahut pehle samajh gaya tha ki main plan karne wala hoon nahi. सही. जो रास्ता अल्लाह दिखाएगा उस पर कहीं ना कहीं आई वुड नो. मैं बहुत से अपने, आई रिमेंबर आई वॉज हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद अ वेरी क्लोज फ्रेंड कि मैंने एक दिन पाकिस्तान में आना है और कुछ करना है. एंड दे वुड ऑलवेज डाउट कि तुमने पाकिस्तान नहीं आना, हर वीकेंड तुम दुबई चले जाते हो और वहां पे यू एंजॉय द गुड लाइफ. अरे कहा एक दिन आएगा वो खुद ब खुद पता चल जाएगा. तो पॉलिटिक्स का जो था, हालांकि आपने मेरे नाना की बात की, लेकिन जो दो बड़ी इन्फ्लुएंसेस थी मेरे वालिद साहब की और मेरे चाचा की. सही. माय फादर वाज अ सेक्रेटरी इन फर्स्ट द केपी गवर्नमेंट एंड देन द फेडरल गवर्नमेंट. एंड इन पर्टिकुलर जब मैं पेशावर में कॉलेज में स्कूल में और यूनिवर्सिटी में होता था, he would have this incredible work appetite. वो हमारा he was the planning secretary and then the health secretary. और वो 14-14 घंटे काम करते थे. And he would come at midnight and come with a stack of files like this. और फिर घर में भी बैठ के files करते थे. And sad to say कि without ever thinking, आजकल मैं भी जो है वो वही कर रहा हूँ, not even being a bureaucrat. एंड जैसे मैंने अपने नाना का कहा, वॉज वन पोलिटिकल इन्फ्लुएंस. जो मेरे चचा थे जो कि 3 बार केपी में मिनिस्टर भी रहे थे, इफ्तिखार झगड़ा साहब, उनके साथ हालांकि आई वर्कड इन 3 or 4 इलेक्शंस, मैं छुट्टी भी लेता था. वन थिंग आई लर्न वॉज ही हैड, और अभी भी जो उनके पुराने सपोर्टर्स हैं वो मुझे सपोर्ट करते हैं सिर्फ इसलिए कि जो उनका मेरे चचा के साथ ताल्लुक था. सही. एंड दैट सॉर्ट ऑफ पावर, वो प्रिविलेज जो बहुत कम लोगों के पास होती है, जो उनके पास जो एक ब्रांड नेम बनाया सिटीजन टच था, जो वो लोग, सो दैट वाज समथिंग दैट वाज देयर. उनकी 2017 में डेथ हो गई. और चूंकि देखें, फैमिली का पॉलिटिक्स में होना, अगर आप गलत इस्तेमाल करें बुरी चीज भी है, लेकिन अगर आप सही तरीके से देखें तो जिन लोगों के साथ एक रिश्ता बना था, आई फेल्ट के अगर हमारी फैमिली कंट्रीब्यूट कर सकती तो किसी ना किसी को पब्लिक सर्विस में होना चाहिए था. मैंने अपने कजन से बात की, मेरे चाचा के बेटे से बात की, अपने भाइयों से बात की, एंड दे ऑल सेड हम पॉलिटिक्स के करीब भी नहीं आएंगे. मैंने कहा देखो, मैं मैकिन्सी में पार्टनर हूँ, मुझे आना जो है वो ज्यादा नुकसानदेह पड़ेगा. मैं आपके इलेक्शन कैंपेन्स भी फंड कर लूंगा, आप मेरे इलेक्शन कैंपेन को नहीं फंड कर सकते. राइट. एंड दे सेड नो. आई सेड के लिटरली, आई रिमेंबर वन इवनिंग मैं फैमिली के साथ बैठा था, वालिद साहब से बात की, सबने ना कर दिया. आई सेड ठीक है, फिर मैं करूंगा. और इट वॉज एन इंस्टेंट डिसीजन. इन फैक्ट आई डिडंट इवन टेल माई वाइफ. अच्छा.
वो नाराज भी थी एंड उसने पूछा और बहुत से लोग पूछते हैं कि क्यों नहीं बताया एंड आई सेड व्हेन इट वाज अ फेट अकॉम्प्लीश्ड जब एक काम करना ही था तो वो कहने से या ना कहने से वो नॉइज़ अटैक होती है राइट तो वो मैंने डांट वैसे ही खानी थी बेहतर था कि डिसीजन लेके खाओ रादर देन के उससे पहले खाओ सही दैट वाज द बैकग्राउंड आई गेस कि किस्मत में लिखा था एंड इट हैपेंड And then you reached out to the PTI brass ki ji you know I want to join you guys you decided ki main independently karunga what was that transition from 2017 leaving McKinsey to becoming the minister of finance main Imran Khan ka fan tha acha mere chacha PTI mein reh chuke the aur Imran Khan ke class fellow the lekin unhone apna zyada career people's party mein guzara हमारी लोकल पॉलिटिक्स में एएनपी भी एक बड़ी फैक्टर थी अब 2013 से पेशावर की सारी सीटें जो है वो पीटीआई जीत चुका था तो गिवन के लोकली मेरी फैमिली का नाम भी था वोट बैंक भी था तो सारे पार्टीज ने ऑफर किया सिवाय पीटीआई ने अच्छा लेकिन मैंने काफ़ी सोच वोच के ये आई वॉन्टेड टू do what I felt was the right thing, jo mera zameer keh raha tha. And I tried to, maine Jahangir Tareen saab ke saath kaam kiya tha, while as a consultant, in the same way ke maine Punjab government ke saath kiya tha, Tareen saab se contact kiya, unko ka, उन्होंने कहा मैंने कहा जो ट्रेडिशनली पॉलिटिक्स में लोग कहते हैं कि मैं आऊँगा लेकिन मुझे टिकट मिलना जो है मैं तो मैकिंसी छोड़ रहा हूँ राइट तो उन्होंने कहा कि पीटीआई में टिकट जो है वो किसी को भी गारंटी नहीं होता लेकिन मैं तुम्हें खान साहब से मिला दूंगा उन्होंने कहा कि जी ये मिला दें लेकिन अभी मैंने जो है पब्लिक नहीं किया तो ये सीक्रेट मीटिंग होनी चाहिए ठीक है सीक्रेट मीटिंग करते हैं तो सीक्रेट मीटिंग की बल्कि इतनी सीक्रेट थी कि मैं ड्राइवर भी नहीं लेके गया जब हम बनीगाला गए तो मेरे साथ मेरे वालिद साहब जा रहे थे तो उनको उतारा तो मुझे वहाँ पे सिक्योरिटी कहती है कि ड्राइवर बाहर चले तो मैंने कहा मैं ड्राइवर नहीं हूँ मैं कैंडिडेट तो अंदर गए खान साहब ने 20 मिनट का लेक्चर दिया मीनवाइल वहाँ पे उनका फोटोग्राफर जो था उन्होंने तस्वीर ली तस्वीर फेसबुक पे दी और मेरे ख्याल में इमरान खान का जो फेसबुक पेज है उससे तो कम पब्लिसिटी मिलती है बीबीसी के हेडलाइन पे तो जब वो आई तो उस रात मैंने मैकिंसी से रेजिग्नेशन भी दे दी कि अब तो जो है अब तो हो गया right. तो बर्नड योर बोट्स लेकिन अगेन मैंने जैसे ही इमरान खान से मुलाकात भी की तो जो मेरे इलाके के वोटर्स की जो एकदम रिएक्शन था दैट डिसाइडेड इट फॉर मी राइट तीन चार दिन मेरा फोन रिंग होते हुए बंद ही नहीं हुआ एंड आई वाज गेटिंग कॉल्स तो आई डिसाइडेड कि पीटीआई ज्वाइन करना है इट वाजंट इजी बिकॉज़ आई सेड हर सीट जो है वो ली गई थी एंड आई थिंक कि शुरू में द पार्टी में जगह बनाना जो है वो काफ़ी मुश्किल थी इनफैक्ट आई वुड से कि जो मेरे 6 महीने इलेक्शन से पहले पॉलिटिक्स में एंटर हुए हुए थे दे वर मच मोर डिफिकल्ट देन द इलेक्शन और शायद कि इतना मुश्किल टाइम जो है स्पेशली सिंस आई मीन इनकी केपी गवर्नमेंट तो 5 साल चली भी है एंड देन यू सडनली पॉप्ड अप तो आपको यू हैड टू सॉर्ट ऑफ लर्न जो पूरा पास्ट 16 साल का एक्सपीरियंस है एंड देन सॉर्ट ऑफ फिट इनटू दैट एंटायर पजल आई हैड टू लर्न एवरीथिंग आई थिंक के अगेन और ये पॉलिटिक्स में नेचुरल है द फैक्ट दैट द पार्टी अपोज्ड मी इसमें ना कोई शर्म की बात है बिकॉज हर पार्टी में मुख्तलिफ इंटरेस्ट होते हैं तो right. मुझे ऑटोमेटिक नहीं जैसे अगर आप यूके में भी ले लें अगर लेबर पार्टी है तो वहां पे ऑपोजिट कैंप्स होंगे फिर जब इलेक्शन आ जाता है या गवर्नमेंट आ जाती है तो सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं तो बेसिकली पहले 6 महीने इनफैक्ट मैं जहांगीर तरीन साहब को ही जानता था द डे आई वाज कमिंग टू पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया तो आई लिटरली जो मेरे अपोनेंट्स थे पार्टी में उन्होंने कहा कि ये बंदा तो कहीं का नहीं रहा एंड आई हैड टू मेक माय स्पेस एंड मेक माय स्पेस तो फिर आई स्लोली स्टार्टेड वर्किंग इन
the party's election cell, unke policy unit pe 100 day plan pe kaam kiya. Mujhe har kisi ne kaha ki aap pehle ticket guarantee karo, aap pehle apne liye rasta hamwar karo. Jo mujhe sikhaya gaya tha ki agar aap kaam karo aur aap ek cheez deserve karo, to wo jab aapko milegi to koi aap se le nahi sakega. Right. So I chose that path, and it's not necessary ki that always works, but it worked and it has worked for me most of the time in life. तो छः महीने की ऑपोजिशन के बाद जब शायद कोई भी हमारे पार्टी का प्रोविंशियल लीडर मेरे से उस वक्त मिलने के लिए भी तैयार नहीं था, नॉट बिकॉज दे डिडंट लाइक मी, बट बिकॉज प्रोविंशियल पार्टी की ऑपोजिशन थी. अल्टीमेटली इलेक्शन भी हुआ, कामयाबी भी हुई माशाल्लाह, और अल्लाह ने इज्जत भी दी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी है. और इसलिए आई थिंक कि अब उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना, वन हैज़ टू गिव मोर देन 100%. राइट, यू आर राइट नाउ आई थिंक यू आर 42. आई एम 41, आई एम 42 इन नवंबर. राइट, अच्छा, ऑलमोस्ट 42. बट यू आर कंपैरेटिवली आप बहुत यंग हैं. जितने आपको जो मेन स्ट्रीम फेसेस नजर आते हैं, जो कैबिनेट में भी लोग नजर आते हैं, वन ऑफ द थिंग्स, एंड दिस इज अ वेरी पर्सनल क्वेश्चन फॉर मी, कि पीटीआई ने बहुत ज़्यादा इस चीज के ऊपर वो आए थे कि हम यूथ को रिप्रेजेंट करेंगे और रिप्रेजेंटेशन देंगे. अच्छा, रिप्रेजेंट तो करेंगे उन्होंने कहा, और वो शायद एक सर्टेन पॉइंट पे कर भी रहे हैं, बट रिप्रेजेंटेशन देंगे वाले एलिमेंट के ऊपर देयर इज दैट एलिमेंट मिसिंग. आई डिसएग्री. हां, सो आई'd like to हियर योर ओपिनियन ऑन दैट, कि यू नो 10 इयर्स लेटर और 15 इयर्स लेटर, you don't see a lot of, you know, 30 to 45 year old के ऐसे लोग जो कि आपको नजर आ रहे हैं 10 साल बाद वो you know कहीं पर होंगे. मेरे ख्याल में अगर आप मैं केपी की बात करता हूँ और फिर फेडरल गवर्नमेंट की भी बात करता हूँ, एक दिन असेंबली में बैठे हुए मुझे एकदम ख्याल आया कि अगर आप ऑपोजिशन के फ्रंट बेंच को देख लें, तो हर बंदा वहां पे 60 साल से ऊपर की उम्र का है. अच्छा, और अगर आप हमारे फ्रंट बेंच को देख ले, तो सिवाय वन और टू पीपल, हर कोई जो है वो अपने 40s में है या उससे भी ज्यादा यंग है. केपी पख्तूनख्वा जो है वो शायद थोड़ी न्यूज में नहीं आती, बट इवन स्टार्टिंग विद द चीफ मिनिस्टर, क्योंकि हमसे पूछा के बाल सफेद हैं, बट ही इज नॉट ओल्ड, ही इज 45-46. अच्छा, आतिफ खान द सीनियर मिनिस्टर इज अंडर 50. शाराम तरकई द लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर इज माय एज. सुल्तान खान द लॉ मिनिस्टर इज इन हिज लेट 30s. कामरान बंगश द आईटी मिनिस्टर इज इवन यंगर देन दैट. तो हमारी आधी से तो जो ज्यादा कैबिनेट है वो 30s और 40s में है. Right. और अगर आप फेडरल गवर्नमेंट में भी देख लें, तो हमाद अजहर को देख लें, मुराद सईद को देख लें, अली मोहम्मद खान को देख लें, दीज आर ऑल पीपल, ज़रताज गुल वजीर को देख लें, देयर इज अ होल न्यू जनरेशन. बल्कि केपी में तो हमारे कोई 20-25 जो एमपीएज है वो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम से उभर के आए, आइदर ऑन इलेक्टेड सीट्स और ऑन रिजर्व्ड सीट्स. ऑब्वियसली जब 210 मिलियन की पॉपुलेशन होगी तो जितने यूथ डिमांड करते हैं सबको जगह नहीं मिलेगी, लेकिन आई एम वेरी प्राउड कि इमरान खान ने जिस प्रोपोर्शन में यूथ को और नेक्स्ट जनरेशन को मैं कहूंगा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी और जो उनको वो ट्रस्ट भी करते हैं. राइट, पॉलिटिक्स और इस सारी चीज़ को करने से पहले बिल्कुल एक चीज़ मैं रैप करना चाहूँगा. राइट बिफोर यू सॉर्ट ऑफ जॉइंड और आपने मैकेंजी छोड़ा, तो यू वर्क्ड ऑन एजुकेशन रिफॉर्म्स पंजाब के अंदर वाइल बीइंग एट मैकेंजी, और उसमें आपने ऑब्वियसली उस वक्त की पंजाब गवर्नमेंट के साथ भी काम किया, ब्यूरोक्रेसी के साथ भी काम किया. थोड़ा सा मैं ये समझना चाहूँगा कि एजुकेशन में, बिकॉज ऑब्वियसली मैनेजमेंट कंसल्टिंग में आप काम करते हुए आपको प्रॉब्ली 360 डिग्री ओवरव्यू मिला होगा कि एजुकेशन सेक्टर में प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं. सो व्हाट वाज दैट एक्सपीरियंस लाइक, व्हाट वर द मेजर प्रॉब्लम्स दैट यू आइडेंटिफाइड के जो कि पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम को प्ले कर रही हैं एट दिस पॉइंट? मैंने पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम पे तकरीबन 6 साल पॉलिटिक्स में आने से पहले काम किया. सही. और स्टार्टिंग दैट प्रोजेक्ट जो कि मेरा पब्लिक सेक्टर में पहला प्रोजेक्ट था, सारे पाकिस्तानीज की तरह मेरे कुछ प्री कंसीव्ड नोशंस थे.
خیالات تھے کہ یہ مسئلے ہیں. ایکچولی فیلڈ میں کام کرتے ہوئے ریئلائزڈ کہ جو ہم باہر بیٹھے ہوئے سوچتے ہیں کہ ہمارے گورننس کے ایشوز ہیں یا جو ان کے حل ہیں, دی ریئلٹی از ویری ڈفرنٹ. اور ایجوکیشن از ڈیفینیٹلی اے فیلڈ لائک دیٹ. ہم بات کرتے ہیں کریکولم کی, ہم بات کرتے ہیں کہ ٹیچرس کی کوالٹی کی, ان کی تنخواہوں کی. پریکٹیکلی یہ سارے ایشوز ہیں, بٹ واٹ یو ریئلائزڈ واز کہ ان میں بہت سی چیزیں ایسے ہیں جو کہ چھ مہینے سال میں چینج نہیں ہو سکتی, پولیٹیکل ول کے ساتھ بھی چینج نہیں ہو سکتی. فار ایگزامپل ہم اکثر بات کرتے ہیں ٹیچرس کی, اینڈ آئی ریئلائزڈ کہ جب آپ کے پاس اتنا بڑا سسٹم ہو, پنجاب میں 53,000 اسکول ہیں, کے پی میں 30,000 اسکول ہیں, پنجاب میں 4.5 لاکھ ٹیچرس ہیں, کے پی میں 2 لاکھ ٹیچرس ہیں, تو جب آپ ان کو چینج بھی کرنا چاہیں تو کہاں سے آپ 6-7 لاکھ ٹیچرز جو ہیں رینڈملی آپ نہیں بلڈ کر سکتے, آکسفورڈ یونیورسٹی کے کوالٹی کے لائیں گے, رائٹ. تو آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ایشوز کے. پھر سملرلی جو مجھے ابھی بھی بہت کام آ رہا ہے, اس کی مجھے ایکسپوجر ہوئی کہ ہمارے ایڈمنسٹریٹو سسٹم میں کیا ایشوز ہیں. ہم نے پہلے 2 مہینوں میں جو ہے پنجاب بڑا اچھا ڈیٹا کلیکٹ کرتا تھا اسٹوڈنٹ اٹینڈنس پہ, ٹیچر اٹینڈنس پہ, وہ سارا ہم نے دیکھا. ہمیں اسکول ٹو اسکول پتہ چل گیا کہ کہاں پہ کیا ایشو ہے. جب ڈپارٹمنٹ کو کہا کہ یہ ڈیٹا یہ سارے ڈسٹرکٹس کو جو ای ڈی اوز جو ایجوکیشن کو ہیڈ کرتے ہیں ان کو دے دیں, تو انہوں نے انکار کر دیا. ہم نے 3 دن کوشش کی, انہوں نے کہا نہیں یہ تو بڑا ڈینجرس ہے. آپ ہی کا ڈیٹا ہے, انہیں کا ڈیٹا ہے, انہوں نے کلیکٹ کیا اور ان کا اپنا ڈپارٹمنٹ ہے, مطلب ان کا اپنا ڈپارٹمنٹ, لیکن دے ریفیوزڈ. وہ گول گول باتیں کرتے تھے. دیٹس ویئر آئی ریئلائزڈ, اور میں وہ فلسفی کو ابھی بھی استعمال کرتا ہوں. ہماری 3 بندوں کی ٹیم تھی, ایک پاکستانی تھا, ایک ینگ فرینچ لڑکا تھا. اچھا. اور ہمارے پاس, ہم لاہور میں ایک ہوٹل میں رہتے تھے, تو میری 3 گاڑیاں جو ہیں, میں نے میکنزی کو بھی نہیں بتایا بیکاز اٹ واز اگینسٹ پالیسی, 3 گاڑیوں میں ہم نے بیٹھ کے پنجاب میں 36 ضلع ہم نے 12-12 ڈیوائڈ کیے, اور کہا کہ ہم ایک ایک ضلع میں جا کے ای ڈی او سے وہ ڈیٹا شیئر کریں گے کہ آپ کے ان اسکولز میں یہ پرابلمز ہیں. کیونکہ میں نے یہ ریئلائز کیا کہ سسٹم اتنا بڑا ہے کہ سیکرٹری کو پتہ ہی نہیں چلنا کہ ہم کہاں گئے ہیں کہاں نہیں گئے. اینڈ دیٹ واز دا بگننگ آف سم آف دا گڈ ورک دیٹ وی آر ڈوئنگ بائی گوئنگ ڈاؤن ٹو دا ڈسٹرکٹ اینڈ دا اسکول لیول. وہ جب ہم نے کیا, جو میں ابھی بھی اس سے لرننگ لیتا ہوں, وہ یہ کہ ہمیں اگر کوئی بھی چینج لانی ہے تو ایون ایز اے سسٹم لیڈر ہم نے سارا ڈیٹیل دیکھنا ہے. صحیح. اینڈ وی ہیو ٹو لک ایٹ ایوری سنگل تھنگ انٹل اٹس ڈن. رائٹ. So now you're in the KP government. Before I get into the more details of what you guys are doing, main ek cheez just get that out of the way, BRT. Where is it? Why is it stuck? Or at the very least, especially people from outside of KP, unko to sirf news media pe aa rahe ki, you know, BRT is a failure. So I'd like you to respond on that ki kya hai us project ka, chal kya raha hai at this point. میرے خیال میں کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے, لیکن اس میں مسٹیکس بھی ہوئی ہیں, اور اس میں جو ہے چیزیں تھیں جو کہ ہم بہتر بھی کر سکتے تھے. صحیح. ایک سائڈ پہ یہ, اور آئی تھنک یہ چیز ریکگنائز کرنا بھی ضروری ہے کہ اتنے بڑے میگا پروجیکٹ کرتے ہوئے پشاور کے لوگوں کو انکنوینئنس بھی پہنچی ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آن دی ادر سائڈ آف دا کوائن ایک پروگریسو ایک اچھا پروجیکٹ بھی ہے. اور جو سپیڈ پہ اس سے کام ہوا ہے اور جس کوالٹی کا اس سے کام ہوا ہے, ایٹ لیسٹ جو اس ٹائپ کے پروجیکٹس ہیں پاکستان میں, ان سے اٹس ناٹ ورس. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو 4-5 چیزیں اس میں فیکٹر ان ہوتی ہیں. پہلی چیز تو یہ کہ شاید اچھی نیت میں, لیکن جو ڈیڈ لائن دیا گیا شروع میں 6 مہینوں کا, وہ انریلسٹک تھا. چھ مہینوں میں 8 مہینوں کا کام ہو سکتا ہے, 2 سال کا نہیں ہو سکتا. اٹ واز این اٹیمپٹ پرہیپس کہ کام زیادہ تیز ہو, لیکن آئی تھنک اٹس ایکچولی گڈ کہ ہم نے ان نیسیسریلی زیادہ تیز کرنے کی کوشش نہیں کی. پہلی چیز تو یہ. دوسری چیز آبویسلی یہ کہ شاید ماضی میں کچھ, اور یہ ایک سوشل میڈیا کے زمانے کا آئی تھنک ایک فنڈامنٹل ریالٹی ہے
कि हमेशा कोई ना कोई बात आपने कही होगी जो कि आपको स्टिंग करेगी right. तो ऐसी बातें जो है वो निकलती हैं, दे फॉर्म पार्ट ऑफ द परसेप्शन. जो तीसरी बात है वो शायद ये, और आई थिंक ये कहना भी जरूरी है कि हम अगर बीआरटी को बेहतर मैनेज कर सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम चूंकि केपी शायद एक छोटा सूबा है, जो 8-10 काम हम अच्छे करते हैं, जो हमारे मीडिया का एक माहौल बना है, उसमें शायद नेशनल लेवल पे केपी की जो वीकनेसेस हैं वो ज़्यादा हाईलाइट होंगी, और जो हम शायद अच्छे काम करते हैं, जो हमने बजटरी रिफॉर्म किया, जो हमने रिफॉर्म स्टेप्स लिए बड़े, जो शायद 46 साल से नहीं लिए गए, सच एज रिटायरमेंट एज रिफॉर्म, वो तो हाईलाइट ही नहीं होते, विच इन अ वे इज गुड. लेकिन आई थिंक ये तीन चार, और चौथी चीज यू हैव टू रिमेंबर कि ये पहली बार पेशावर में अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द सिटी एंड टू एंड एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट हो रहा था, और शायद वहां की ब्यूरोक्रेसी का उसको एक्सपीरियंस जो है वो नहीं था. हम जब वापस आए हमने ये कहा कि हमने दोबारा डेडलाइन शायद नहीं देना, हमने काम जो है इस पर कंप्लीट करना है, मैच्योरली करना है, और इस प्रोजेक्ट को सही तरीके से चलाना है. वी लर्नड अ लॉट ऑन दैट, और तकरीबन 90% काम जो है वो कंप्लीटेड है. आखिरी 5-10% में हमेशा थोड़ा सा टाइम निटी ग्रिटी में ज्यादा लगता है. अगर आप अभी भी मेरे से डेडलाइन पूछेंगे, मैं आपको एक डेडलाइन नहीं दूंगा. इसलिए नहीं कि शायद मुझे इंटरनली डेडलाइन पता नहीं, बट लेकिन इसलिए कि वो फिर दोबारा से एक सेंसेशनलिज्म का बायस बन जाएगी. सही. आई थिंक एट दिस पॉइंट इट इज द राइट थिंग कि हम उसको कंप्लीट करें. एक चीज मैं जरूर कहूंगा, अगेन गोइंग बैक टू दिस कॉन्टेक्स्ट, के केपी में हम नेगेटिव चीजें जो है वो नेशनल मीडिया पे ज्यादा हाईलाइट करेंगे, वो ये है कि आप अगर इस प्रोजेक्ट को देखें, 2 साल का प्रोजेक्ट है, अभी तकरीबन 2 साल हो गए, इट्स 90% डन. सही. बहुत से इस टाइप के प्रोजेक्ट्स में डिलेज आती हैं, इट्स नेवर डिजायरेबल, इट्स नॉट द राइट थिंग, इट मींस हम बेहतर कर सकते थे. लेकिन इस्लामाबाद एयरपोर्ट 3-4 साल और 20 अरब में होना था, 120 अरब में हुआ है. राइट. बहुत सी ऐसे मिसालें हैं. तो इट्स जस्ट कि हम एज लीडर्स वी हैव नॉट कम अंडर दैट प्रेशर. जो हमारी ऊपर फेयर क्रिटिसिज्म होती है वो हमने बर्दाश्त करनी है, प्रोजेक्ट को तब भी सही तरीके में कंप्लीट करना है, और इंशाल्लाह ऐसे तरीके में कंप्लीट करना है कि ये पेशावर के लोगों के लिए एक एसेट हो, और वो जल्द से जल्द होगा इंशाल्लाह. सही. आपने कहा, अभी आपने कहा कि मेन स्ट्रीम मीडिया में स्पेस नहीं मिलती पॉजिटिव न्यूज़ की. आई लव टू नो टॉप 3 जो आप कहेंगे कि अभी तक पिछले 1 साल के अंदर दैट यू आई थिंक मोर क्लोजली बिलीव इन, जो रिफॉर्म्स या डिसीजंस केपी गवर्नमेंट में हुए. पिछला जो हमारा दौर था वो शायद एक डायरेक्शन शिफ्ट का और सोशल सेक्टर पे फोकस करने का था. सही. हेल्थ, एजुकेशन, लोकल गवर्नमेंट, पुलिस रिफॉर्म की पहली वेव. इस बार जब हम वापस आए तो मुल्क के इकोनॉमिक हालात और थे, तो जो हम चाहते हैं कि जो दूसरी बार केपी की गवर्नमेंट आई है कि वो एक्चुअली एक डिग्निटी, दूसरी जो है डेवलपमेंट या रिफॉर्म, राइट, और तीसरी एक्चुअली प्रोग्रेस. प्रोग्रेस इसलिए क्योंकि 15 साल बाद जो है हम मिलिटेंसी के एक दौर से निकले. सही. तो हमने पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम में आना है. शायद हम पाकिस्तान का सबसे बड़ा मार्केट ना हो, लेकिन हम पाकिस्तान को जो है, हम वो सूबा नहीं बनना चाहते जो कि सिर्फ गिला शिकवा करती है कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है. वी वॉन्ट टू पंच अबव आवर वेट, एंड आई थिंक के हमारे कैबिनेट में और हमारे लोगों में ये सलाहियत है. आप पाकिस्तान के फॉरेन डायस्पोरा को देखें, प्रेडोमिनेंटली पश्तूनस होते हैं. तो जो दो तीन चीजें हैं जो मुझे पसंद है वो होंगी जो कि इस फिलॉसफी के साथ एक्ट होंगी. मैं 5-6 बताऊंगा. ठीक है. जो मुझे फख्र है, एंड वी ऑलमोस्ट देयर, पहला सूबा होगा पाकिस्तान में जो कि यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस. सही. सिर्फ 30% या 60% लोगों को नहीं,
ہر خاندان کو, کیونکہ ہمارے جو 90-95% لوگ ہیں جن کو ہم ورکنگ کلاس یا مڈل کلاس بھی کہتے ہیں, ان سب کو صحت انصاف کارڈ دینا, جو کہ امریکہ جیسے ملک میں یونیورسل ہیلتھ انشورنس پہ بات ہوتی ہے اور الیکشنز ہارے جیتے جاتے ہیں, ابھی تک نہیں ہوتی. انشاءاللہ اس فائنینشل ایئر میں ہم کریں گے. صحیح. دوسری چیز جو ہم نے بڑے بجٹری ریفارم پہ سٹیپس لیے, دو, جب پہلا بجٹ آیا ہمارے پاس اکتوبر میں آنے کے بعد, ہمارے اوپر پریشر تھا بہت سے ہیڈ لائن اسکیمس ڈالنے کے, لیکن ہم نے کہا نہیں, یہ مڈ ایئر ہے, ہم صرف وہ کنٹینیو کریں گے جو ہمارے پاس ہے. لیکن اس بار پہلی بار پاکستان کی ہسٹری میں ہم نے اپنے بجٹ کو ایسے ریفارم کیا کہ شاید کسی نے نہیں کیا, ان ٹو اور تھری ویز. ہم نے ڈیولپمنٹ پورٹ فولیو میں جو پروجیکٹس اس وقت کے مناسبت سے صحیح نہیں تھے ان پہ ڈیسیزنز لیں, اور 200 بلین کی اسپیس کریٹ کی, انپریسیڈنٹڈ, بیکاز ٹپکلی بیوروکریسی سوچے گی کہ پولیٹیکل ویل ایسے ڈیسیزنز کی نہیں ہوتی تھی. ہم پہلا صوبہ بنے جس نے کہا کہ جب ہمیں فسکل کرنچ ہے, ہم پبلک سیکٹر میں ریٹائرمنٹ ایج کو بڑھائیں گے, اور ہمیں پتا تھا کہ اپوزیشن اس کو جو ہے غیر مناسب طریقے میں استعمال کرے گا بائی ٹرائنگ ٹو مس لیڈ دا پیپل کہ اس سے نوکریاں کم ہوں گی, لیکن اٹ واز دا رائٹ تھنگ, کیونکہ غریب عوام کے لیے 25-30 ارب روپے سال کے بچتے تھے. ہم نے وہ فیصلہ لیا, اور آج سندھ نے اور پنجاب نے نہیں, ہم نے جو ہے اپنا ریٹائرمنٹ ایج فیڈرل گورنمنٹ سے بھی پہلے بڑھایا, اور اس کا امپیکٹ یہ ہے کہ ہمارا ڈیولپمنٹ بجٹ اس سال کا سندھ سے بھی زیادہ ہے اور تقریباً پنجاب جتنا ہے. سندھ کا 284 بلین, ہمارا 319 بلین, اور پنجاب کا 350 بلین. فیل ویری پراؤڈ آف دیٹ. تیسری چیز, ہم نے ان ایریاز میں لیڈرشپ دکھائی جہاں پہ ہمارا رول بھی نہیں تھا. کے پی کی اکانومی اور پوری پاکستان کی ایک کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج ہے اس کی آؤٹ ریچ ٹو سینٹرل ایشیا. ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے پچھلے مہینے 6 مہینے کے کام کے ساتھ تورخم بارڈر, جو ہمارا افغانستان اور سینٹرل ایشیا کے ساتھ بارڈر ہے, کھولا 24/7, 10-12 گھنٹے کھلا رہتا تھا پہلی بار. بلکہ پروونشل گورنمنٹ نے فیڈرل گورنمنٹ کو پیسے دیے ٹو میک شیور دیٹ دس از اوپن. اینڈ اگین دیٹس اے سارٹ آف لیٹرل تھنکنگ دیٹ آئی ایم پراؤڈ آف. اس ٹائپ کے اور بھی جو ہے وہ ہم بہت سے کام کر رہے ہیں. One of the things that I read, actually, sorry to cut you off. One of the things that I read recently was that your partnership with Facebook and Kareem, I think. Uska thoda sa karna chahenge, kyunki ek cheez main dekh raha hu KP ki side se jo ki bahut hi exciting hai personally. Wo ye hai ki IT mein aap log particularly spearhead kar rahe hain. There is Aptabad mein wo ji, you know, there are conferences that are happening. Peshawar mein digital summit hoti hai. So us side ke upar innovation, startups and IT side ke upar, what's that happening? Because there was an article jo ke aapka ek interview quote hua tha, something to do with Facebook partnership and Kareem partnership. Jo پشاور میں جو نیشنل انکیوبیشن سینٹر ہے وہاں کا ہیڈ جو ہے, اس سے جب پہلی بار ملاقات ہوئی کراچی سے میرے خیال میں وہ آئے تھے, انہوں نے کہا دا فرسٹ ٹائم آئی کیم ٹو پشاور تو مجھے لگا کہ میں ایک پروونشل ٹاؤن میں آیا ہوں, تو تھوڑا سا میں ڈپریس تھا. لوگوں سے بھی ملا جو انٹرپرنرز تھے, انہوں نے کراچی گرامر یا HSN سے جو ہے تعلیم نہیں حاصل کی تھی, تو یو نو میں مجھے اس کے کانٹیکسٹ میں میری پرسیپشن بن رہی تھی. لیکن سر جب میں نے یہاں پہ را ٹیلنٹ دیکھا تو وہ دیکھ کے مجھے ایک فرق محسوس ہوا ورسز اسلام آباد یا لاہور یا کراچی. اور وہ فرق یہ کہ پشاور میں اور کے پی میں جو ٹیلنٹ ہے, اور یاد رکھیں کہ 15 سال جس طریقے سے کے پی اور فاٹا کو ملٹنسی ہٹ کی ہے, وہ باقی پاکستان کو شاید سوائے بلوچستان نہیں ہٹ کی. تو اس نے کہا کہ جو را ٹیلنٹ تھا اس میں جو کامیابی کی بھوک, جو ہنگر فار سکسیس جو تھی, وہ مجھے لاہور یا کراچی میں نہیں مل سکتی. تو ایک بات اس نے جو مجھے کہی وچ اسٹکس ود می, اس کے اگر میں جو میرے ساتھ جو اسٹارٹ اپ کام کر رہے ہیں, اگر میں رات کے 10 بجے انہیں کہوں کہ آپ کی صبح کراچی میں پوٹینشیل انویسٹر کے ساتھ میٹنگ ہے, تو وہ ابھی اپنے گاڑی میں
बैठ के somehow अपने आप को सुबह 8 बजे तक कराची पहुंचा देगा. एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट हंगर. एंड आई थिंक हमारे पास एक लोकेशनल डिसएडवांटेज है. हम समंदर के पास नहीं है जैसे सिंध बलोचिस्तान है. हमारे पास एक पॉपुलेशन डिसएडवांटेज है. हम पाकिस्तान का सबसे छोटा सूबा है पॉपुलेशन के लिहाज से. लेकिन वी वांट टू मेक अप इन डिफरेंट वेज. वी वांट टू मेक अप थ्रू द स्पिरिट ऑफ आवर पीपल. वी वांट टू मेक अप थ्रू द एरियाज जहाँ पे हमें कंपेटिटिव एडवांटेज है. एंड आई थिंक कि टेक्नोलॉजी या आईटी एक हो सकती है. बिकॉज आई फील कि जो हमारे पख्तूनख्वा के लोगों का जो स्पिरिट है और जो इनोवेशन जो उनकी है वो हमें आगे ले जा सकती है. तो इसलिए हम आईटी में इतना काम कर रहे हैं. और शायद इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस कि जो हमारे आईटी मिनिस्टर हैं इज द यंगेस्ट मेंबर ऑफ आर कैबिनेट कामरान बंगश. तो हम इसलिए जो है जो हमारे इनक्यूबेटर्स भी हैं वहाँ भी काम कर रहे हैं. जैसे आपने कहा डिजिटल यूथ समिट भी हमने किया है. अभी अभी हमने वहाँ पे एक आउटसोर्सिंग सेंटर भी बनाया है. द आइडिया इज कि जो कंपनीज आउटसोर्स करना चाहती हैं आप इस्लामाबाद में लाहौर में कराची में करते हैं पेशावर आएँ. टैलेंट विल वर्क हार्डर दे विल वर्क लॉन्गर एंड एट द मोमेंट यू विल प्रॉब्ली पे लेस फॉर देम. तो इस टाइप की जो है वो चीज़ें हैं. आई थिंक आईटी में हमें बहुत बूस्ट मिल सकता है. करीम के साथ अगेन अल्टीमेटली इस मुल्क ने इस जो इन्फैचुएशन है पब्लिक सेक्टर जॉब्स के साथ उससे निकलना है. कोई भी मुल्क दुनिया का पब्लिक सेक्टर में सिर्फ इन्वेस्टमेंट करके और पब्लिक सेक्टर के थ्रू अपने जॉब मार्केट को नहीं डिवेलप कर सका. तो हमने जो पूरी जो अर्बन मोबिलिटी इंडस्ट्री है सिर्फ करीम नहीं उनके साथ एक पार्टनरशिप की. उनके लिए जो टैक्स रेट्स थे वो कम किए. वो इसलिए नहीं कि हम उनको ब्रेक देना चाहते थे लेकिन हम चाहते हैं कि जितने नौजवान ज़्यादा से ज़्यादा खुद से जॉब मार्केट में आए बाय लीजिंग कार्स अपनी उनके पास गाड़ी हो और वो सर्विस प्रोवाइड करना चाहे वो हमारे जॉब मार्केट के लिए अच्छी है. और जब वो किया हमने इंडस्ट्री को कहा कि आप हमें हेल्प करेंगे. तो जो पार्टनरशिप की हम बात कर रहे थे जो आप बात कर रहे थे हमने करीम के साथ पार्टनरशिप की है और वो हमारा एम्बुलेंस सर्विस चलाएंगे. अच्छा। अब ऑब्वियसली जब आप ऐप पे एम्बुलेंस को लिंक कर सकते हैं और रेस्क्यू 1122 की हम बात कर रहे हैं जहाँ पे वो एम्बुलेंसेस फ्री होते हैं. पब्लिक सेक्टर एम्बुलेंसेस को हम होपफुली बाद में डालेंगे और प्राइवेट सेक्टर. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. देयर वाज अ पोस्ट वायरल ऑन फेसबुक एज़ वेल रिसेंटली क्योंकि वो जो प्रोसेस इज वेरी एक्सक्रूशिएटिंग. यू कॉल समवन वो कहते हैं कौन बात कर रहे हैं आईडी कार्ड बताएं एड्रेस बताएं देन यू नो इट्स बिग प्रॉब्लम. लेकिन इफ यू कैन जस्ट यूज एन ऐप जिसके अंदर आपने उसी वक्त इमरजेंसी का डाला एंड दे हैव ऑल द इंफॉर्मेशन एंड दे कैन जस्ट सॉर्ट ऑफ कम इन. कम से कम पेशावर में मतदान में अहमदाबाद में जब आप ये कर सकते हैं आप सोच सकते हैं कि देयर विल बी अ नंबर ऑफ लाइव्स दैट विल बी सेव्ड. एब्सोल्युटली. और ये इनोवेशन अगर हम ना करें राइट इफ वी कीप ऑन डूइंग व्हाट वी हैव डन बिफोर वी विल गेट द सेम रिजल्ट्स. राइट. तो वी हैव टू डू डिफरेंट थिंग्स एंड पख्तूनख्वा की ये कोशिश होगी कि हम साइज में भला छोटे कि हम इनोवेशन में निम्बलनेस में हम एक कदम अपने भाइयों से फेडरेशन में आगे जाएं. ये नहीं कि हम गलतियां नहीं करेंगे. गलतियां भी हम करते हैं इंसान हैं. लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि जो अच्छे काम हम कर सकें उसमें हमारी थिंकिंग ज्यादा ओपन हो. और आई थिंक अगर आप इवन पॉलिटिकल रिजल्ट्स देख लें पख्तूनख्वा के लोगों की थिंकिंग ओपन टू चेंज बाकी सूबों से ज्यादा रही है. राइट. चलिए अनदर बिफोर आई रैप दिस अप एक सवाल पे पहले ये पूछना चाहूंगा कि ऑब्वियसली आई लव दी सॉर्ट ऑफ आपकी जो एक केपी के साथ एसोसिएशन है बड़ी इंटरेस्टिंग है कि आपने एक सॉर्ट ऑफ कंपेटिटिव फॉर यू द एंटायर व्यू पॉइंट इज कि यू नो व्हाट इज केपी डूइंग एंड हाउ कैन आई मेक इट बेटर देन लेट्स से पंजाब एंड सिंध एंड दैट सॉर्ट ऑफ कंपटीशन वो एफिशिएंसी डेफिनेटली ज्यादा इंप्रूव करेगा. बट यू सी योरसेल्फ गोइंग इनटू द फेडरल साइड ऑफ थिंग्स मे बी नेक्स्ट इलेक्शन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ और डू यू वांट टू स्टिक टू केपी. आप दोबारा से वही सवाल पूछ रहे हैं जिसका मेरे पास जवाब है ही नहीं. मैं प्लान नहीं जो टाइम आएगा उसके हिसाब से. लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि आई सी माई सेल्फ सर्विंग द पीपल ऑफ पाकिस्तान इन सम वे दैट इज माई पैशन.
Right, so that could be beyond KP as well at some point. देखिए, मैंने 6 साल पंजाब में काम किया. I love the spirit of Punjab as much as I love as much as I have the passion for KP. जो जब मैं कराची को देखता हूँ, जो मुझे वहाँ पे potential नजर आता है as a city. जो इकोनॉमिक डायनेमिज्म कराची में है या जो कल्चरल डाइवर्सिटी कराची में है वो पाकिस्तान के किसी शहर में नहीं है. या अगर आप सिमिलरली मैं बलूचिस्तान में मैंने ड्रिलिंग की हुई है. द फैक्ट कि बलूचिस्तान हमारा शायद वो एक सूबा है जो मल्टी एथनिक है, ट्रू नेशनैलिटीज ऑफ पाकिस्तान. एक आपने मेरा पैशन जो है वो I'm a big believer in Pakistan, लेकिन I feel कि हमें पाकिस्तान में थोड़ी सी positive competition की बहुत space है, लेकिन हमें बर्दाश्त, tolerance and acceptability for different points of view बढ़ानी है. और दो I think views पाकिस्तान के रहे, मेरे ख्याल में इन दोनों का मिलाना ज़रूरी है. एक जो traditional view रहा है वो तो ये कि हम सब कुछ अपनी सारी आइडेंटिटी मिटा लें और सिर्फ अपने आप को पाकिस्तानी समझें. ये बिल्कुल सही है, लेकिन इसके साथ आई थिंक जो एक और व्यू मिलानी चाहिए कि जो पाकिस्तान की कल्चरल डाइवर्सिटी है, जो पाकिस्तान में बसती हुई एथनिसिटीज है, वो सब भी पाकिस्तान है. उनकी जो कल्चरल स्ट्रेंथ्स हैं, चाहे वो पश्तून हो, पंजाबी हो, सिंधी हो, बलोच हो, गिलगित बल्तिस्तान के लोग हो, कश्मीरी हो, वो सबको हमें सेलिब्रेट करना चाहिए. दे कैन बी देयर ओन एथनिक सेल्फ एंड येट बी पाकिस्तानी, रादर देन सेइंग कि यू नो डोंट ट्राई टू, क्या आप दादा अपने रीजन को छोड़ो, पाकिस्तानी बनो. मुझे जितना खुशहाल खान खटक को सेलिब्रेट करना चाहिए उतना मुझे बुले शाह को सेलिब्रेट करना चाहिए, उतना मुझे सिंध के सूफी कल्चर को सेलिब्रेट करना चाहिए. एंड देयर इज अ लॉट टू लर्न फ्रॉम ईच अदर. देयर इज अ लॉट टू लर्न फ्रॉम ईच अदर. अगर हम वो करेंगे पाकिस्तान विल बी अ स्ट्रॉन्गर प्लेस, मेरा ये ख्याल है. और मेरे ख्याल में उस लिहाज से ये जरूरी है. तो अगर जो मैंने, मुझे लगता है अगर कोई छोटी कॉन्ट्रीब्यूशन पंजाब में भी एजुकेशन सिस्टम बेहतर करने में की हो, मुझे उस पर भी उतना ही फख्र है. बिकॉज वो लोग भी उतने ही जो है, पंजाब के लोग भी मेरे लिए उतने ही पाकिस्तानी हैं जितने पिशावर के या पख्तूनख्वा के. तो आई थिंक दैट स्पिरिट इज इम्पॉर्टेंट टू टेक फॉरवर्ड, एंड आई होप कि किसी तरीके में वन कैन सर्व द पीपल ऑफ पाकिस्तान वेयर एवर दे आर एंड इन वट एवर पाथ दैट इज. I hope I always have the courage to do that. What form it will take, wo mujhe nahi pata. Right. Chale, let's just end this on this beautiful note. Thank you so much, guys, for watching. Thank you so much, sir, for coming in for the podcast. Thank you, sir. And for the viewers, thank you so much for watching. We're going to be back next week. Leave your comments down below regarding who you'd like to see at Unboxing Pakistan. See you next week.